नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का भविष्य का नंबर वन अखबार और न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं संविधान रक्षक समाचार, लोकतंत्र की आवाज। भीम आर्मी, आखिर ये कौन सा संगठन है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं तो चलिए आज आपको भीम आर्मी के बारे में बता ही देते हैं। भीम आर्मी क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? दरअसल भीम आर्मी की स्थापना 2014 में वकील चंद्रशेखर रावण और रतन विनय के द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति का विकास करना है। चंद्रशेखर रावण का जन्म सहारनपुर के चटमलपुर के पास धड़कुली गाँव में हुआ था। चंद्रशेखर रावण ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कानून से की। वैसे तो हर किसी का शौक होता है कि वो मूछें रखे, इसी में से एक थे चंद्रशेखर रावण, जिन्हें शुरुआत से ही मूछें रखने का बहुत शौक था। 2015 में चंद्रशेखर रावण ने एक बोर्ड लगाया और समस्त समुदाय का उसमें स्वागत किया। इसके बाद से ही अनुसूचित जाति और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा हो गए, लेकिन तनाव को देखते हुए हालात को काबू में किया गया। इसके बाद से वह गांव में अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा चेहरा बन गए और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाने लगे। इसके अलावा कोई भी युवा भीम आर्मी के संगठन से जुड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भीम सेना में मुसलमान भी काफी अच्छी संख्या में मौजूद है। भीम आर्मी ने शुरुआत से ही पुलिस के द्वारा चल रहे मनमांगे ढंग से कार्रवाई का जमकर विरोध किया। 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी के द्वारा पहली मीटिंग की गई, जगह सहारनपुर, दिन शुक्रवार 5 मई 2017 का। ये दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब सहारनपुर में जाति संघर्ष के लिए दो गुटों के बीच खूनी खेल खेला गया। दरअसल पूरा मामला ये था कि 5 मई को अनुसूचित जाति बीआर अंबेडकर की जयंती मना रहे थे, तभी राजपूतों की एक टोली महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर उस इलाके में घुस आए। ऐसे में अनुसूचित जाति उनका विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव और हिंसा में खौल उठा। 24 दलितों के घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत की खबर आई। उधर हिंसा और आगजनी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंद्रशेखर रावण के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुख्तार अहमद के बेंच के द्वारा भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण और डिप्टी चीफ कमल वालिया की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित मानते हुए जमानत दे दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जातीय संघर्ष में जेल गए चंद्रशेखर रावण को आधी रात को जेल से रिहा कर दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के इस रवैये से योगी सरकार विरोधियों के नजर में आ गई है और कह रही है कि चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। गौरतलब ये है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। अगर 2017 यूपी विधानसभा की बात करें तो अनुसूचित जातियों का वोट बीजेपी के पक्ष में गया था, लेकिन मौजूदा हालात में यूपी में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और अनुसूचित जातियों का वोट पूरी तरह से बट गया। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर रावण को अनुसूचित जाति की हक की लड़ाई BSP के झंडे के तले लड़नी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर रावण का अगला कदम क्या होगा, क्या वो BSP के साथ जाएंगे या स्वयं की ही एक पार्टी बनाएंगे। पहल न्यूज की खास रिपोर्ट।